कि अभी यहाँ पे किस वक्त हम सर भाई वो भी सॉल्व हुआ इसके अंदर लास्टली। अगर हमें इस रिडक्स के अंदर भी अच्छा भाई इस रिडक्स के अंदर भी आपको टूल किट के अंदर भी अगर एसिंक्रोनस काम करना है तो आपको रिडक्स थंब इंस्टॉल करना लाजमी लाजमी यहाँ पे। अच्छा वो कैसा करेंगे आगे जाकर उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई क्लास इसके भी स्टोर वगैरह बनाते हैं चेक करते हैं कि इसकी स्टेट्स वगैरह कैसे अपडेट होती है क्या होता है क्या नहीं होता कैसे एक्शन बनते हैं इसके अंदर कैसे रिड्यूसर्स बनते हैं कैसे ग्लोबल स्टेट्स बनती है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट भी आपके पास बिल्कुल सेम वही है। UI, UI से क्या कॉल होगा डिस्पैच डिस्पैच से क्या कॉल होगा भाई एक्शन एक्शन के अंदर डिस्पैच होगा। अच्छा भाई यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है आपके पास डिस्पैच की आपके पास सॉरी एक्शन जावास्क्रिप्ट क्लेम ऑब्जेक्ट है फंक्शन सही आपके पास और रिड्यूसर के यहाँ पे प्योर फंक्शन है बिल्कुल। अच्छा भाई इसके अंदर एक चेंज और म्यूटेबल और इनम्यूटेबल जो मैंने लास्ट में बताया था आपको जो हमने पहले रिडक्स पढ़ी थी वो कौन सी थी वो इम्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है अनचेंजेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। अच्छा और इसकी क्या भाई म्यूटेबल है म्यूटेबल है मतलब ये चेंज हो सकती है एक ये बड़ा फायदा भाई इसके अंदर। अच्छा भाई हम चले जाते हैं थोड़ा गेटअप के ऊपर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। काम करते हैं बनाते हैं छोटी एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या होगी भाई कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे मतलब एक मैप बार होगी मैप बार के अंदर सिंपल मतलब हमारे पास तीन चार टैब्स होंगे और हमारे पास एक बकेट का आइकन होगा बकेट का आइकन समझते हैं कुछ प्रॉब्लम ई कॉमर्स अच्छा डबल भी यूज करी होगी राज वगैरह हम ऐड टू कार्ट ऐड करते हैं हमारे पास एक बकेट होती है जिसके अंदर जिसको बास्केट वगैरह कर लो जिसको बकेट कार्ट कर दो ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी होती है आपके पास तो बेसिकली हम लोग बनाने जा रहे हैं ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी प्रोडक्ट ऐड करो और वो चलेगी किसके अंदर कार्ट में ऐड हो जाएगा वो जितने प्रोडक्ट आप ऐड करते रहोगे वहां उसकी क्वांटिटी क्या होगी चेंज होती रहेगी। अच्छा भाई एक और फंक्शनलिटी दे देंगे जब उसके ऊपर क्लिक करो तो जो प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हुए उसको भी लिस्ट करवा देंगे एक जगह पे और वहां से अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी हो जाएगा तो इसके मतलब हमारे पास पूरा करंट बन जाएगा यहाँ पे मतलब क्रिएट भी हो जाएगा रीड भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा अपडेट नहीं जाएगा बस। अच्छा अपडेट ऐड टू कार्ट में भूल सकता भाई अपडेट में क्या होगा प्रोडक्ट ऐड होगा या डिलीट होगा बस क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी बढ़ा देंगे भाई। अच्छा भाई सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं कि चल गया था ये प्रोजेक्ट पुराना वाला अच्छा भाई क्लास अगली क्लास में आपका हैकाथॉन है पता है ना आप लोगों को फायरबेस पढ़ लेना भाई फायरबेस किस तरीके से काम कर रहा होता है और फायरबेस के अंदर क्रट तो मैंने पूरा करवाया आपको ऐसा ही है फायर स्टोर वगैरह मैंने आपको करवा दिया पूरा ऑथेंटिकेशन भी मैंने करवा दिया आपको या नहीं करवाई करवा दिए मैंने आपको प्राइवेट राउंड भी करवाए पब्लिक राउंड भी करवाए तो ये सारी चीज़ आपको पता है। हैकाथॉन कोई ये बच्चा ये ना बोले कि भाई उससे ये नहीं हो रहा क्योंकि सारी चीज़ें करवाए मुझे एक महीना हो चुका है ये एक महीने से ऊपर ही होगी अब तो प्रैक्टिस करना भैया आपके हाथ में था मेरा काम था ये मैं करवाना ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ करवा के आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने उसके ऊपर बाकायदा आपको असाइनमेंट भी दिए या नहीं दिए असाइनमेंट भी दिए मैंने आपको अगर आपने असाइनमेंट कराया होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा
क्योंकि जब बंदा प्रोग्रामिंग ऐसी फील्ड है डेवलपमेंट कि जब बंदा करता है ना साथ होते हैं तो फिर कौन सा गुड क्लियर होते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको करा होगा ईमानदारी से। अच्छा भाई काम करते क्लास जल्दी से मैप वर्क हमारे पास मौजूद है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यूआई पे ज्यादा काम नहीं करेंगे भाई, पहले हम जो फंक्शनलिटी करनी है वो कर लेते हैं। हम चले जाते हैं होम पेज पे, चलिए क्लास एमयूआई हमारे पास इंस्टॉल है ना, हम आते हैं एमयूआई के ऊपर। कंपोनेंट्स अच्छा भाई एमयूआई का ग्रिड पढ़ा देता हूँ आपको, ग्रिड का कॉन्सेप्ट तो बताया आपको, बोर्ड स्टैक सबसे बड़ी होगी कोई हम जिसको ग्रिड नहीं पता भाई शर्मा ही बता दो एक और सही। अच्छा भाई क्लास एमयूआई के अंदर कार्ड से बहुत सारे, अगर आप कोई कार्ड यूज करना चाह रहे हो तो आपके पास सारे कार्ड यहाँ मौजूद है। हम लोग कोई कार्ड यूज कर लेते हैं भाई, हम ये वाला कार्ड यूज कर लेते हैं। अच्छा भाई बहुत आसान है एमयूआई, सबको पता है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोड सारा मौजूद है आपके पास। यहाँ से मैंने क्या करा इसको भाई कॉपी करा, कंपोनेंट्स में गए और एमयूआई कंपोनेंट्स के अंदर गए, यहाँ मैंने बनाई फाइल किस नाम से भाई, ये हमने बना दी कार्ड कंपोनेंट डॉट जीएसएक्स और यहाँ पे क्या कर दिया हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई इसको हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट कार्ड। अच्छा भाई इस प्रोडक्ट कार्ड को ले आते हैं किसके ऊपर, होम पेज के ऊपर। वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है एक लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिस्टम का सो चलता ही है। भाई फाइल का नाम क्या रखा था हमने, प्रोडक्ट कार्ड ऊपर आपको तो यही है। अच्छा कार्ड भी आ गया। अच्छा भाई क्लास हमारे साथ आ गया क्या चीज, कार्ड आ गया। एक काम करते हैं भाई हम उसमें कुछ लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं। संडे बैच क्लास 12 एसआरसी, यहाँ पे फोल्डर कौन सा बनाएंगे हम लोग, क्लास इस वक्त आपके पास जो इमेज है वो क्या है हार्ड कोडेड है, इसको भी हम डायनेमिक कर लेंगे मसला नहीं। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम डबल डॉट स्लैश अच्छा क्लास आपके पास एक बार एक्सटेंशन होती है वीएस कोड के अंदर, ये आपकी डेवलपमेंट के अंदर और मदद करेगी भाई। मुराद को मैं आपको पाथ के नाम से था पता नहीं किस नाम से थी, हाँ ये भाई किस नाम से क्लास पाथ के सेंस है। इंस्टॉल कर लो भाई अपने पास, इंस्टॉल कर ली। अच्छा भाई इसका फायदा क्या है, पता नहीं चलेगी भी चलेगी अभी,
double dot slash the system लेकिन ये सिस्टम चल जाए तो भाई क्या बात है, आ गई यहाँ पे। मतलब इससे क्या होगा भाई, अगर आपको इमेज लगाना चाह रहे हो तो आपको वापसी फोल्डर जाना नहीं पड़ेगा, वहां इसका नाम देखना नहीं पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से इसको पिक कर सकते हो। आपके ऊपर भाई अगर आपको करनी हो यूज तो कर लो, फंडा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा भाई क्लास हम आते हैं कार्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले भाई कार्ट का कॉम्पोनेंट है जिसकी मैक्स विड्थ क्या दी हुई उन्होंने 345। अच्छा भाई उसके बाद कुछ कार्ट एक्शन एरिया है और एक आपके पास क्या है कार्ट मीडिया जिसके अंदर कॉम्पोनेंट क्या है इमेज। मतलब कार्ट मीडिया के अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट यूज हो रहा है इमेज का, मतलब आपकी कार्ट की जो इमेज होगी वो इस कॉम्पोनेंट के अंदर है। अच्छा भाई ये आ गया सारा इसका कॉन्टेंट का हिस्सा और ये इसका कौन सा पार्ट आ गया एक्शन, मतलब इसके बटन की क्लिक के ऊपर क्या करना चालू क्या नहीं। अच्छा भाई काम करते हैं सिंपल, हमें इमेज चेंज करनी है, इसको रिमूव करा और यहाँ पे इमेज लेकर आ रहा है। अच्छा भाई ऑल्टरनेटिव मैंने कर दिया प्रोडक्ट इमेज। अच्छा भाई इसकी हाइट कितनी थी उन्होंने क्लास 140, मतलब 140 पिक्सल इन्होंने फिक्स की थी, रहने तो कोई इश्यू नहीं है भाई। सही क्लास आपके पास यहाँ पे इमेज लग गई। अच्छा भाई शेयर का बटन आपके पास, इसको हटा देते हैं। हमने कॉम्प्यूटर बनाया था क्लास किस चीज का, वहां पे ये सिस्टम जो ना बड़ा कॉम्पोनेंट भाई इंपोर्ट कर लो डबल डॉट स्लैश बटन कॉम्पोनेंट हो गया हमें। अच्छा भाई यहाँ पे टेक्स्ट टेक प्रॉब्लम हमारे पास, हमने इसको टेक्स्ट दे दिया और टेक्स्ट के लिए भाई टेक्स्ट होगा जाते तरफ तो हमारे पास यहाँ पे भाई क्या आ गया बेटर कार्ड आ गया और उसके अंदर एक्ट कार्ड आ गया। अच्छा भाई मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट दादा हो, मतलब चार प्रोडक्ट लेके आए थे हम लोग, एक लाइन में चार प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। आपने मुझे बताओ कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए, फ्लैक्स यूज करनी चाहिए या फिर ग्रिड यूज करना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पर फ्लैक्स यूज करते हो फ्लैक्स का मसला नहीं भाई, चार प्रोडक्ट बनाए फ्लैक्स दिया आपने, ये एक लाइन में फ्लैक्स डायरेक्शन ड्रॉ एक ड्रॉ में आ जाएंगे प्रोडक्ट से। मसला ये कि अगर आप ब्रेक पॉइंट की तरफ जाओगे मतलब रिस्पॉन्स की तरफ जाओगे तो उसके अंदर थोड़ा इशू हो सकता है। इशू क्या होगा भाई, मिसाल के तौर पर आपके पास स्पेसिंग का बड़ा मसला होगा, एक कार्ड नीचे आ रहा होगा, तीन कार्ड ऊपर होंगे, फिर भी ऊपर थोड़ा स्पेस होगा, मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर रिस्पॉन्सिव की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा अच्छी रहती है, ग्रिड यूज करना ज्यादा अच्छा। मतलब तो भाई लार्ज स्क्रीन के ऊपर चार दिखाओ, मीडियम पे जो है प्लस थ्री दिखाओ, दो दिखा दो और स्मॉल मीडियम दिखा दो प्लस एक दिखा दो, या तो ये वाली अप्रोच यूज होती है लार्ज पे चार दिखाओ, मीडियम पे तीन दिखाओ और स्मॉल पे दो दिखा दो, ऐसा भी होता है हमारे पास अक्सर। तो भाई ग्रिड ऐसा ग्रिड होता क्या भाई, मिसाल के तौर पे हमें रिस्पॉन्सिव करना है, हमारे पास एक रॉ के अंदर अगर मैं बात करूँ ये होम पेज की, तो हमारे पास वेब पेज के ऊपर ये जो होम पेज दिखा हुआ है ना ये रॉ के ऊपर दिखा हुआ है पूरा। अच्छा भाई एक रॉ के अंदर कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, 12 से ज्यादा नहीं होते ना 12 से कम होते हैं।
आप 12 से ज्यादा यूज करोगे आपकी लाइन क्या हो जाएगी वहां पे ब्रेक हो जाएगी। अच्छा लाइन से मतलब होता है रॉ, सॉरी रॉ से मतलब होता है यहाँ पे लाइन, मतलब आपने जो होम में एक लाइन पे ना, तो इसको हम जो है कंसिडर क्या कर रहे हैं, मतलब अगर जो डेवलपर नहीं है जो नॉन टेक्निकल है वो क्या कंसिडर करेगा इसको लाइन, ये एक लाइन है। लेकिन भाई आप डेवलपर हो तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे, ये रॉ है आपके पास, इस रॉ के अंदर कितने कॉलम होंगे, 12 कॉलम होंगे। अच्छा अगर आप 12 से कम कॉलम बनाते हो इशू नहीं है भाई, मसला नहीं कोई भाई, मिसाल के तौर पर आप जो है वो 6 कॉलम बनाना चाह रहे हो एक रॉ के अंदर, बना दो कोई इशू नहीं है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने 12 से ज्यादा चले गए तो क्या होगा वहां पर भाई, लाइन ब्रेक हो जाती है। अच्छा भाई एमयू का ग्रेड बहुत अच्छा है भाई, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ही अच्छा है, बोर्ड एग्जाम ग्रेड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब से एमयू का ग्रेड यूज करा है। अच्छा भाई हम आते हैं होम पेज के ऊपर, मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट मेरे पास सिक्योर हो जाए, क्या कह सकते हैं भाई, मतलब सारे एक ही लाइन में कॉपी हो गए। सही क्लास कितने कितने हो गए टारगेट हमारे पास, 4 हो गए भाई, इसको ग्रेड में लेके आ रहे हैं। क्लास सिंपल है, हमारे पास एमयूए के अंदर कंपोनेंट होता है किस नाम से, ग्रिड के नाम से। आप इसको क्या करें भाई, ग्रिड के अंदर रैप कर दिया। अच्छा एक काम करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसको भी हटा देते हैं, हटाने देते, चलो ऐसे रहने देते हैं। अच्छा भाई हमारे पास मैं ग्रिड कॉपी कर लिया था। अच्छा भाई, अच्छा भाई क्लास हमारे ग्रिड में क्या चीज होती है, दो चीजें होती है, कौन कौन सी, रॉ है कॉलम। अच्छा भाई ये तो हमारे पास हो गया, चलो रॉ के लिए, किसके लिए हो गया ये पहला वाला, रॉ के लिए हो गया, कॉलम हो गया हमारे पास बाकी है। अच्छा भाई अगर आप किसी को रॉ बनाना चाह रहे हो तो सिंपल है, आप क्या कर दोगे उसको एक प्रॉप पास कर दोगे, किस नाम से, कंटेनर के नाम से। अच्छा भाई अब मुझे बनानी क्लास क्या चीज, क्या बनाना है मुझे, कॉलम बनाना है भाई, सिंपल है कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई इस वक्त MUI के अंदर दो किस्म की ग्रिड है, एक तो ग्रिड सिंपल है और एक आपके पास ग्रिड 2 के नाम से, लेकिन वो भी क्या आपके पास अनस्टेबल है, मतलब अभी टेस्टिंग मोड पर है वो, तो भाई वो यूज नहीं कर लेना आपको, पता चल भाई अगर यूज करके बैठ गए किसी एप्लीकेशन के ऊपर, नहीं अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। ये वाला भाई ये आपको बाय डिफॉल्ट 4x4 का बना के दे देगा, मतलब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट साइजिंग भी ये आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल, लेकिन ना करो तो अच्छा है भाई, क्योंकि हमें हमेशा फिक्स रखना नहीं होता, हमें चेंज करना होता कंडीशन के हिसाब से। अच्छा भाई क्लास एक काम कर लेते हैं, इसको रिमूव करा, क्या चीज क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, आपके पास एक कॉलम हो गया, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, एक रॉ हो गया आपके पास और ये क्या हो गया आपके पास, 4 कॉलम। अच्छा भाई रॉ को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमारे पास एक प्रॉप था, किस नाम से, कंटेनर। कॉलम को भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई, एक आपके पास प्रॉप होता है किस नाम से, आइटम के नाम से। अगर आप ग्रिड के अंदर आइटम पास कर दोगे इसका मतलब क्या है, ये आपके पास कॉलम है। क्लास कितने कॉलम हो गए आपके पास भाई, जरा चेक करते हैं जाके, एक लाइन आ गई है। अच्छा भाई इसको थोड़ा साइज डिफाइन करते हैं हम लोग कि भाई एक कॉलम कितना आपके पास स्पेस कंटेन करे। अच्छा भाई मैं सिंपल इसको कहता हूँ अभी इस वक्त फिलहाल कि भाई लार्ज स्क्रीन के ऊपर, मतलब लार्ज के लिए हमारे पास LG, मीडियम के लिए SM, किसके लिए होगा एक्स्ट्रा स्मॉल। भाई मैंने बोला लार्ज स्क्रीन के ऊपर कितने लो आप, अच्छा भाई लेकिन एक इशू आ गया, क्या इशू आ गया, एक नीचे क्यों आ गया, चेक करते हैं भाई जरा, 16 हो गया। अच्छा चार और चार कितने होते हैं, 16 हो गया, तो हमें किसको डिवाइड करने पड़ेंगे, क्या तुम्हें बता भी नहीं रहे तो
अब मुझे बताओ जरा, अच्छा भाई एक लैंग्वेज चाहिए आपको क्लास? भाई एक लैंग्वेज चार चाहिए, चार को डिवाइड करो 12 से, तीन आ गए। इसका मतलब कि आपको हर कॉलम को कितना साइज देना होगा? भाई सिंपल इसका फॉर्मूला है, अक्सर बच्चे ना इसमें घूमते हैं। सवाल है छोटा सा मेरा भाई, एक लाइन में कितने कॉलम होते हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने शो करने? 4। 4 को डिवाइड करते किससे? 12 से। आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। भाई एक लाइन में आपको 3 कॉलम शो करने, सॉरी एक कॉलम में 3 कार्ड शो करने। कॉलम से कितने, एक राउंड कितने कॉलम होते हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने शो करने? 3 करने। भाई मुझे एक रॉ के अंदर 3 कार्ड शो करने, कितने कार्ड शो करने? 3। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं हमारे पास? 12। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने शो करने? 12। 3 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया तेरा? 4। मतलब हर कॉलम कितना रहेगा अपने पास? 4। ये जो समझ आई या नहीं आई? अब 2 कार्ड शो करने हैं, अगर 6 शो नहीं है भाई, अगर 5 करने तो रॉ कॉल्स। भाई 5 करने ना, फिर इसके लिए थोड़ा ना अलग तरीका होता है, नेस्टेड यूज करना पड़ता है आपको ग्रेड। आपके पास एक लाइन में 4 कार्ड आ गए या नहीं आ गए? अच्छा भाई इसको जरा इंस्पेक्ट लेके चेक करते हैं कि ये स्पेसिंग किस चीज के लिए क्या आ रहा था। एक तो छोटी सी स्क्रीन है बिल्कुल, अच्छा भाई क्लास आपके पास ये जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये स्पेसिंग कॉलम की नहीं है, ये कार्ड की है, क्योंकि हमारे पास कार्ड की हाइट क्या थी यहाँ पे? 3। तो भाई काम करते हैं, इसकी विड्थ क्या करते हैं हम लोग? अब देखो भाई आपके पास एक इशू आ गया, इशू क्या है आपके पास? स्पेसिंग खत्म हो गई। भाई बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे बड़ा मसला यही था कि वो आपको कोई बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा प्रॉप नहीं देता जिससे आपके कॉलम के दरमियान क्या जाए, स्पेस आ जाए। वहां पर हमें डिफॉल्ट करनी पड़ती है सारी, सॉरी डिफॉल्ट कस्टम करनी पड़ती है। एमयूआई में ऐसा नहीं है भाई, एमयूआई बहुत अच्छा है, आपके प्रॉप देता है कॉल स्पेसिंग के नाम से। आजा भाई आजा। अच्छा भाई मैंने इसके लिए क्या पास करा? मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तक तो लैपटॉप लेकर आऊ। क्लास स्पेस आ गया आपके पास या नहीं आया? अच्छा भाई काम करते हैं, एक बड़ा मसला है आपका, ये वाला कार्ड है वो वाला कार्ड है, वो स्क्रीन के साथ क्या हो रहा है? अटैच हुआ है, सही है भाई। अरे काम कर लो, बॉक्स आपके पास, बॉक्स के अंदर टाइपोग्राफी भी है, तो इसको मैं कर देता हूँ भाई क्या चीज प्रोडक्ट्स। अच्छा भाई यूआई के ऊपर इतना काम सर करना भी नहीं है, इसको मिल लेते हैं H5। अच्छा भाई क्लास बॉक्स के आपके पास कंटेनर है MUI का, MUI के ऊपर स्टैम्प वगैरह कंटेनर किस तरीके से लेते हैं लोग? अच्छा इसके अंदर ले लेते हैं भाई, मैंने कर दी इसके अंदर पैडिंग PX और मैंने इसके अंदर पास कर दी PX। कितनी भाई
ट्वेंटी पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या होता है भाई, बता दो क्लास, पी एक्स का मतलब क्या होगा और पी वाई का मतलब क्या होगा? मतलब मैथ्स पढ़ी है। अच्छा अभी क्लास, ये तो आपके पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई भाई। अब सिंबल हम करते हैं जल्दी से किसकी तरफ, यहाँ पे हम लगा देते हैं आइकन, और आइकन कौन सा होगा भाई? कार्ड का। अच्छा भाई एमबीए के अंदर आइकन यूज ही करेंगे अंदर, करवा देते हैं मसला ही नहीं है भाई। सिंपल अपनी क्या लिखा यहाँ पे, एमयूआई आइकन। अच्छा भाई पहले इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्यों? पहले किया क्योंकि हमने पहले कर लिया था। अच्छा भाई क्लास, आपको ये चार पांच के वेरिएंट्स होते हैं, इसके अंदर फील्ड होते हैं, आउटलाइन होते हैं, राउंडेड होते हैं, टू टोन होते हैं, शार्प होते हैं, जो आपका दिल करे भाई वो यूज करो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने यहाँ पे लिखा भाई सिंपल क्या, कार्ड लिखा, और अच्छा ये वाला यूज नहीं करते आइकन, हम यूज करते कॉम्पोनेंट, हमारे पास कॉम्पोनेंट मॉडल होता है इसके अंदर, ये रहा। हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना उसमें, ये रहा। अच्छा भाई क्लास, आपके पास एक कंपोनेंट मौजूद है जिसके अंदर आइटम भी है बकेट का, और उसके बाद एक नंबर भी मौजूद है। एक काम करते हैं भाई, कॉपी करा और यहाँ पे आ गए हम लोग। क्या आपके पास एक क्लास कंपोनेंट नहीं है? एमयूआई में गए और एमयूआई के अंदर हमने बनाई एक फाइल, किस अंदर बनाया? कार्ड डॉट जीएसएक्स, और इसको कार्ड कर दिया। क्लास ऐसा क्लियर है सबको? अच्छा भाई इसको जरा कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा बताओ? ऐप बार में इस आइकन के बराबर में। अच्छा भाई इस चीज को हम कहते हैं ऐप बार, पता है सबको? शुक्र भाई, ऐप बार है आपकी ये लिए। अच्छा भाई इसमें ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो बने हैं आपके पास, एक तो रिस्पॉन्सिव का भी और अच्छा रिस्पॉन्सिव का काम कर लिया तो बने, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था वैसे, याद है किसी को ये नहीं याद भाई? मैंने इसको लिंक करवाया था यहाँ पे, सारी चीजें करवाई थी, ये मैंने करवाया था बड़ी स्क्रीन के ऊपर ही, मतलब लार्ज स्क्रीन के ऊपर। मैंने कहा था रिस्पॉन्सिव के ऊपर नेटवर्क पूरा चेंज हो जाता है, याद ही नहीं को या नहीं याद? तो मैंने कहा था भाई माफी क्या करवा लेना, सारी लिस्टिंग वगैरह करवा लेना आप लोग, ये भूल गए। कब बोला था ये, कहा था? नहीं मुझे लगा था मैंने कब कहा था। भाई मैं देख रहा हूँ कहाँ ही है, वाइट कर दिया भाई।
पता नहीं भाई, पहले लगता भी नहीं लगता, पहले तो लगता था। अच्छा भाई, इस तरीके से वाइट हो रहा है, उसका कलर तो क्रॉप काम नहीं करता होगा शायद। अच्छा भाई क्लास, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग भी लेकर आनी है, या नहीं लेके आनी? ये बता के बिल्कुल ही मतलब अटैच हुआ हुआ है। देख काम करते भाई, हमने बनाया एक बॉक्स, इस बॉक्स में इसको रखा और हमने यहाँ पे दे दी भाई एमएक्स, और एमएक्स की तो दे दी हमने 10 पिक्सल। क्लास क्लियर है यहाँ तक भाई? नजर आ रहा है आपको? नजर नहीं आ रही है अभी, यूआई पे छोड़ दो उसको, कर लेंगे बाद में। अच्छा भाई क्लास, अब एक मसला यहाँ पे, ये काफी कार्ड क्या है नीचे आ रही है, मतलब जो नंबर आ रहा है 3 वाला, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा भाई टॉप जो है ना 30, हम कर देते इसको 5, बेहतर या नहीं है? थोड़ा राइट पे इसको लेके आ जाते भाई, माइनस तो ये सेट लग जाएगा, इसको 5 कर दो, 5 लगाओ ये भाई, 3 कर देते। क्लास क्लियर है तक? अच्छा भाई अब मुझे क्या करना है क्लास, इस वक्त इसका नंबर दिया हुआ बाइट पॉइंट क्या 4 दिया हुआ है, ऐसा ही है। अब हमें नंबर जैसे मैं ऐड टू कार्ड करूं जब जाके ये चेंज हो, और जिस दिन प्रोडक्ट मैं ऐड करूं वो क्या होते हैं वहां पे ऐड होते रहे, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, और जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं एक दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊं, और जितने भी प्रोडक्ट मैं ऐड किए वो सारे क्या हो जाए शो हो जाए। अच्छा भाई अब ये काम मैं करूंगा रिडक्स के अंदर, अगर मैं रिडक्स नहीं करता तो ये हो जाता है आराम से। आप लोग मुझे जरा बताओ, अगर इसको विदाउट रिडक्स करें हम लोग, कार्ड का बटन मेरे पास ये रहा ऐड टू कार्ड, ऐसा ही है, ये कार्ड मेरे पास यहाँ पे कॉल रहा है होम डॉट जेएस के ऊपर, ऐप पर मेरे पास कॉल हो रही है ऐप डॉट जेएस के ऊपर, ऐसा ही है, और ये कार्ड भी कहाँ पर है ऐप डॉट जेएस, सॉरी ऐप बार के अंदर, और वहां भी कहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, हायरार्किकल पॉसिबल है ये? मुश्किल होगा। अच्छा एक तरीका है इसका, एक तरीका क्या है, मैं ऐप डॉट जेएस के ऊपर एक स्टेट बना, इसको भी पास कर दूं और होम को भी पास कर दूं, होम में से किसको पास कर दूं, मैं प्रोडक्ट को पास कर दूं, और ऐप बार में से किसको पास कर दूं, कार्ड डॉट जेएस को पास कर दूं, समझ में आया नहीं यार? मतलब दोनों कंपोनेंट्स के अंदर मैं अलग अलग पास कर दूं, प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ अगर मैं कार्ड्स को जाके क्या करूंगा, ऐड टू कार्ड करूंगा मैं, अगर वेवर स्टेट ऑफ रनिंग कौन सी वाली ऐप डॉट जेएस की, पूरी एप्लीकेशन क्या होगी मेरे पास प्री रेंडर होगी, ये तो छोड़ दो ये कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा भाई, ऐप डॉट जेएस अगर रेंडर होगा इसका मतलब क्या है, पूरी एप्लीकेशन क्या होगी प्री रेंडर होगी, ये गुड प्रैक्टिस है नहीं भाई बेवकूफी है। इसके लिए भाई कौन सी टूल यूज करते हैं हम लोग, रिडक्स मतलब स्टेट मैनेजमेंट, कि भाई ग्लोबल स्टेट होगी ऐड टू कार्ड की, बंदा ऐड करे कहीं से भी करे और कहीं भी शो हो जाए। अच्छा भाई सिंपल यहाँ पे आते हैं, हमने क्या बनाया यहाँ पे भाई, एक अदद स्टोर बनाया। अच्छा भाई क्लास अब मैं एक और चीज बता दूं आपको जरा, रिडक्स के अंदर हम बना देते हैं एक्शन रिड्यूसर सही है, और स्टोर बना देते हैं और कॉन्स्टेंट बना देते चार सीधे, एडेक्स टूलकिट के अंदर चार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई एडेक्स टूलकिट से हमारे पास काम करती है क्लास, उसके अंदर काम होता है स्लाइसिंग के थ्रू, किसके थ्रू स्लाइसेस के थ्रू। अच्छा भाई इसके अंदर बनती है कुछ स्लाइसेस, अच्छा भाई वो क्या होता है कि आपकी जो जितनी ग्लोबल स्टेट होती है उनकी बनती स्लाइस सही है, उसके अंदर से कुछ एक्शन निकलते हैं और कुछ क्या निकलते हैं निकलता है एक्शन का मल्टीपल निकाल सकते हो। अच्छा भाई सबसे पहले मैं आता हूं और मैं बनाता हूं एक अलग फाइल, किस नाम से भाई, ऐड टू कार्ट स्लैश के नाम से। अच्छा भाई ये स्लैश बनती कैसे, बहुत आसान है कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को रिडक्स आती है शादी वाली तो ये भी आपको आती है। अच्छा भाई काम करते हैं हम आते हैं भाई अपने कोड के ऊपर,
ये हो गया कार्ड स्लाइस। अच्छा भाई इसको एक्टिव कार्ड से लगा कर देते हैं, कार्ड स्लाइस कर देते हैं। अच्छा भाई क्लास आपने क्या करा सबसे पहले यहाँ पे, कार्ड स्लाइस इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस। क्लासेस क्लियर भी? अच्छा भाई सबसे पहले आपने इस फाइल के अंदर बनाया एक अदर क्रिएट स्लाइस। अच्छा भाई क्रिएट स्लाइस क्या आपके पास, ये ही आपको भाई आपको एक्शन भी देगा और ये आपको क्या देगा, प्रोड्यूसर भी देगा। अब मतलब बताता हूँ मैं इसका। मिसाल के तौर पर भाई हम बात करते थे पुरानी लेटर्स के अंदर, अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर भाई मैंने भी एपीआई कॉल करी, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, तो मैंने क्या बनाई भाई प्रोडक्ट्स की स्टेट बनाई। कहाँ पर बनाई, मैंने इनिशियल स्टेट बनाई, याद है सबको, इनिशियल स्टेट बनाते प्रोड्यूसर के अंदर। तो प्रोड्यूसर के अंदर हम जो काम करते थे ना, इनिशियल स्टेट बनाते थे, फिर हम प्योर फंक्शन बनाते थे, वो सारे काम कहाँ करते हैं, स्लाइस के अंदर करते हैं। मतलब हमारे एक हम मतलब हर काम के लिए क्या बनाओगे, स्लाइस बनाओगे। मिसाल के तौर पर भाई आपको प्रोडक्ट के लिए एक्शन बनाना है, अब एक्शन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्लाइस बनेगी। मिसाल के तौर पर भाई आपको मतलब लॉगिन के लिए करना है, तो भाई एक्शन प्रोड्यूसर अलग अलग नहीं बनाने, क्या बनानी है आपको, स्लाइस बनानी है। साइन अप के लिए करना है, क्या बनाओगे, स्लाइस। मतलब हर काम के लिए क्या बनेगा, स्लाइस बनेगा। अच्छा भाई जब हर काम के लिए अलग अलग स्लाइस बनाओगे, तो हर स्लाइस आपको दो चीजें लाजमी देगा, एक्शन और रिड्यूसर। अच्छा भाई ये अपना ही एक्शन देगा, अपना ही रिड्यूसर देगा, तो इसको मैच कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई एक और बड़ा फायदा है, चलो वो आगे जाके बताता हूँ आपको। अच्छा भाई लाजमी काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा भाई क्लास हमने क्या करा यहाँ पे भाई, एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, कार्ड स्लाइस के नाम से, और एक मेथड हमारे पास किस नाम से, क्रिएट स्लाइस। चलो काम करते हैं, इसको थोड़ा कमेंट करके मैं लिख के दिखा दूंगा भाई आपको, कि आपको समझ में भी आ जाए भाई। कॉन्स कार्ड स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। अच्छा भाई क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस ऐसे क्या लिखा क्लास, एक अंदर ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, स्टेट्स। अच्छा नेम दे दो या स्टेट दे दो, चलो पहले नेम दे देते भाई। आप सबसे पहले भाई स्लाइस को बता दो उसका नाम क्या है, तो भाई हम किसके लिए यूज कर रही है, कार्ड के लिए। अगर लॉगिन के लिए होता तो मैं इसको क्या नाम देता, लॉगिन नाम देता, और अगर साइन अप के लिए तो क्या नाम देता उसको, साइन अप। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, कार्ड नाम दे दिया। तो भाई सबसे पहले आप इसको क्या दीजिए, स्लैश को नाम दे दिया। अच्छा भाई क्लास इसके बाद हमारे पास क्या होगी इसके अंदर, स्टेट्स के भाई। अच्छा इस चीज के लिए अगर स्लैश बना रहे तो आपको कितनी ग्लोबल स्टेट्स चाहिए, आप एक दफा डिफाइन कर दो। अच्छा भाई दो तरीके इसके अंदर इसको स्टेट्स देने के, इनिशियल स्टेट आप यहाँ पे दे दो, या फिर आप अलग से ऊपर क्या बना लो, वेरिएबल बनाकर जैसे हम करते थे इनिशियल स्टेट पुराने वाले के अंदर, इनिशियल स्टेट पर ऑब्जेक्ट बना देते, फिर जितनी भी हमारे स्टेट होती पढ़ लेते थे, या फिर आप इसको इस तरीके से पास कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो मैंने ज्यादा तरीके देखे लोगों को यूज करते हुए, वो इनिशियल स्टेट कहाँ डिफाइन कर रहे होते हैं, अंदर ही डिफाइन कर रहे होते हैं। हो सकता है भाई आपके पास इस पेज के ऊपर मल्टीपल स्लाइस हो, एक ना हो सकता है भाई यहाँ पे आपके कार्ड स्लाइस के अंदर एड टू कार्ड रिमूव भी कर लो भाई, रिमूव स्लाइस यहाँ बना लो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबकी अलग 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 नाम रखने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा ये कि भाई आप एक ही दफा क्या कर लो उसको, उसके अंदर ही बना लो। क्लास ये समझ में आई क्या नहीं आई? अच्छा भाई करना क्या है, हम सिंपल ये करेंगे कि कार्ड स्लाइस के अंदर एड टू कार्ड पे इसको चेंज कर लाएंगे। अच्छा भाई सबसे पहले कंडीशन सुनो, कंडीशन क्या आपकी, जब बंदा एड टू कार्ड पे क्लिक करे तो वो कार्ड के कहाँ चला जाए, एक एरे के अंदर चला जाए। अब मेरे मिसाल के तौर पर भाई एक के ऊपर क्लिक करा एरे में चला गया, सेकंड पे क्लिक करा किसमें चला गया, वो एक एरे में चला गया।
जब वो एरे में जाके सेव होते रहेंगे तो मेरे पास एक एरे की लेंथ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? उस लेंथ को क्या मैं शो करवा सकता हूँ? करवा दूंगा भाई, मेरे पास एक ग्लोबल एरे होगा, उसको मैं कॉल करूंगा और उसमें क्या निकाल दूंगा यहाँ पे लेंथ निकाल दूंगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इनिशियल मुझे क्या चाहिए था? एम्प्टी एरे, मतलब ग्लोबल एरे हो मेरे पास। किसके लिए हो? मेरे पास कार्ड के लिए। एड टू कार्ड पे क्लिक करो और वो कहाँ चला जाए? एरे में चला जाए। अच्छा जी क्लास, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अच्छा भाई क्लास, अब आपके पास ये तो बन गई ग्लोबल स्टेट। अब मैंने बताया था दो चीजें होती है, क्या क्या? एक्शन और रिड्यूसर। अच्छा भाई क्लास, मैंने बनाया क्या चीज? रिड्यूसर बनाया। अच्छा भाई, रिड्यूसर क्या आपके पास? ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, यहाँ देखो क्लास, आपके पास कुछ ऐड और रिमूव की कुछ फंक्शन होने में, देखने से क्या लग रही है? रिड्यूसर, रिड्यूसर लग। बताओ बताओ क्या लग रहा है आपको? रिड्यूसर तो वहां पे कौन है? चलो भाई आसान करते हैं, आसान करते हैं, छोड़ो भाई। आपने बनाया रिड्यूसर और रिड्यूसर के क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट। भाई मैंने कहा ऐड और उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे रिमूव। क्या चीज? बिल्कुल ये आए कहां से? अच्छा भाई, एक ऐड हो गया और एक रिवर्स कॉल गया क्लास, यहाँ पे रिमूव हो गया। अच्छा भाई, आपको अब समझ में आ जाएगा ये रिड्यूसर क्या है, ये ऐड क्या है, ये रिमूव क्या है। आसान है, कितना मुश्किल है भाई, परेशान नहीं होना, थोड़ा सफर कर लो। अच्छा भाई कौन? अच्छा मैंने आपको बताया था क्रिएट क्लास आपको दो चीजें देता है, क्या देता है? एक्शन और रिड्यूसर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर लू कौन, एक्शन और यहां पर क्या कर लिया? रिड्यूसर। और ये मैंने कहां से निकाल लिया भाई? कार्ड स्लाइस से। मतलब मेरे पास कार्ड स्लाइस के अंदर एक क्रिएट स्लाइस पूरा मौजूद है, ऐसा ही क्लास। क्रिएट स्लाइस आपको क्या चीजें रिटर्न करता है? दो चीजें रिटर्न करता है, कौन कौन सी? एक्शन और रिड्यूसर। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर कार्ड स्लाइस आपको क्या देता है क्लास? सॉरी क्रिएट स्लाइस, एक्शन और रिड्यूसर। अच्छा भाई अब एक और चीज कर लेते हैं भाई, मैंने करा कॉन्स्ट इक्वल्स टू। अब ये एक्शन है क्लास, ये एक्शन क्या चीज है भाई बता देता हूं आपको। एक्शन के अंदर आपके सारे ये एक्शन मौजूद है। आपने रिड्यूसर के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे ना, ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे क्या आपके पास क्लास? एक्शन। मतलब एक्शन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है तो स्मैश करवाने की जरूरत नहीं है, टैग स्मैश करवाने की जरूरत नहीं है। अब सबको पता होगा भाई कि ऐड का जो आपके पास फंक्शन है ये किसका एक्शन है? ये कार्ड का एक्शन है। ये किसका एक्शन है? ये जस्ट क्लियर हुई या मुश्किल है? ये बता दो भाई अगर मुश्किल है तो। आसान है। अच्छा भाई, इनिशियल स्टेट चलिएगी किसके अंदर? रिड्यूसर के अंदर। स्टेट किसके चलिएगी क्लास? रिड्यूसर के अंदर। अच्छा भाई मैं काम करता हूँ, मैंने करा कौन ऐड और रिमूव। मैंने बोला भाई ऐड और रिमूव कहां से लेके आ जाओ क्लास? कहां से लेकर आ जाओ? एक्शन से। एक्शन कहां पे कॉल करवाते हैं हम लोग? यूआई पे कॉल करवाते ना। इसका मतलब कि ये कार्ड कैसे क्यों मैं यहां से एक्सपोर्ट भी होंगे, क्योंकि मुझे इसको कहीं और यूज करना पड़ेगा। ये ऐसा ही ऐसा नहीं है, ऐसा ही भाई। सर ये एक्शन डिफाइन का है यहां पे? एक्शन डिफाइन का एक्शन डिफाइन का भाई ऐड ये रहना नहीं सर, ये डेटा स्ट्रक्चर का। अच्छा बता बता, एक मिनट और क्लियर करता हूं। ये जो समझ में नहीं है कुछ को, समझ में कुछ को नहीं है भाई। कार्ड स्लाइस में क्या है पहले तो ये बता दो। क्रिएट स्लाइस है, क्रिएट स्लाइस जब भी बनाओगे आपको दो चीजें रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? दो चीजें। अच्छा देखो,
जब मैंने उसको चीजें लिखी तो सबको लिख के भी दे दिया सारा, अगर उसके ऊपर होवर करूं, होवर भी नहीं करो भाई रहने दो। क्रिएट स्लाइड्स आपको दो चीजें देगा, कितनी चीजें देगा? दो चीजें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं इसमें दो चीजें जो क्या कर लूंगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कार्ड स्लाइड्स में दो चीजें करनी, डिस्ट्रक्चर पहली चीज क्या करनी, मैंने डिस्ट्रक्चर एक्शन और सेकंड रिड्यूसर, ये चीज क्लियर हो गई। मतलब कि भाई कार्ड स्लाइड जब भी आप स्लाइसिंग बनाओगे, मैंने भी आपको बताया था कि भाई जो भी काम करोगे उसके लिए क्या बनाओगे आप लोग, स्लाइसिंग बनाओगे। जब भी स्लाइसिंग बनाओगे तो एक्शन भी वही देगा आपको और रिड्यूसर भी कौन देगा, वही देगा, स्टेट भी कौन देगा, वही देगा। मतलब अब आपको एक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, रिड्यूसर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सारे काम कौन करके देगा आपको, ये क्रिएट स्लाइस का मेथड करके देगा। अच्छा भाई मल्टीपल हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मल्टीपल जब होंगे तो ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा होगा ये इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए, नेम से, उसके नेम से भाई, उसके नेम से हम क्या कर देंगे उसको यूनिक कर देंगे कि भाई ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए और ये दूसरे काम के लिए। क्लास में आएंगे या नहीं आए अभी? हमने क्या करा भाई, क्रिएट स्लाइस बनाया, नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर, ये चीज क्लियर हुई। जितने भी एक्शन आप डिफाइन करना चाह रहे हो, एड, रिमूव, अपडेट, डिलीट, वो सारे कहाँ करोगे, रिड्यूसर के अंदर करोगे। अच्छा भाई ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब भाई देख लो कार्ड साइज के अंदर हमने दो चीजें जो है क्या कर ली, डिस्ट्रक्चर कर ली, कौन कौन सी, एक्शन और रिड्यूसर। भाई नाम देखते ना बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, पता चला आपने एक्शन को कर दिया एक्शंस, तो भाई ये एक्शंस कोई चीज नहीं है, ये एरे नहीं कर रहे हम लोग, एरे डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर का मतलब ये सिंपल एक रूल है इसका, जिस नाम से प्रॉपर्टी होगी उसी नाम से क्या करोगे, डिस्ट्रक्चर करोगे। अगर ये एरे होता तो मसला ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे इंडेक्स नंबर उठ के आता है हमेशा, तो अपने नाम से उसको उठा लो कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई मैंने कर दिया इसको एक्शन और रिड्यूसर। अब रिड्यूसर के अंदर क्लास जितने भी मेथड होंगे, रिड्यूसर के अंदर जितने भी क्या होंगे मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। अगर मैं सिंपल ऑब्जेक्ट की बात, जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो अगर मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं या नहीं कहते? मेथड्स और प्रॉपर्टी में फर्क होता है ना, क्या नहीं पता? पता है भाई, पुरानी बातें नहीं छेड़ा जा रहा ना, पता है ना सबको, शुक्र। अच्छा भाई जितने भी मेथड्स बनेंगे रिड्यूसर के अंदर वो सारे क्या कहलाएंगे आपके पास, एक्शंस कहलाएंगे। अच्छा भाई ऐड और रिमूव किसके अंदर मिलेगा आपको, ये एक्शन के अंदर। पहले क्या कर लिया, रिस्ट्रक्चर कर लिया, अब सिंपल है भाई यहाँ पे एक्शन तो बन गया, लेकिन मैं एक्शन कॉल कहाँ पे करता हूँ हमेशा, यूआई से, तो मुझे यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, कि भाई ऐड भी कहाँ से कॉल होगा, यूआई से होगा और रिमूव भी कहाँ से कॉल होगा, यूआई से कॉल होगा। क्लास इज क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है? अच्छा भाई काम करते फिर हम करते थे एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, आपकी इनिशियल स्टेट और एक्शन के अंदर क्या होगा, डिस्पैच आएगा भाई, डिस्पैच तो करवाओगे ना या नहीं करवाओगे? डिस्पैच के अंदर दो चीजें होती है, टाइम होती है और क्या होता है, पीरियड होता है। अब थोड़ा चेंज है भाई, अब टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हमें अलग अलग फाइलों में लेकर मैच नहीं करवाना, यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी, लिंकिंग होगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिंक है हर चीज, आपको लिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई काम करते हैं सर, कंसोल लगाते हैं हम लोग और चेक करेंगे सबसे पहले भाई ऐड वाले एक्शन को कॉल करके कि कॉल हो भी रहा है या कॉल नहीं हो रहा।
भाई हेलो ऐड का नाम हमने कंसोल लगाया और फिर चेक करेंगे भाई कॉल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा भाई क्लास कॉल करने का तरीका देख लेते भाई कि कॉल किस तरीके से होगा। अभी ये जो समझ नहीं क्लास या नहीं आई भाई पहले मुझे बताओ इसमें कोई सवाल है किसी का। मुझे लग रहा है एक चीज इशू होगा आप लोगों को, इसमें इशू हो रहा होगा कि किस तरीके से भाई कार्ड स्लाइस के अंदर एक्शन निकले। अच्छा भाई ये चीज तो कॉन्स्टेंट है, ये तो इसको दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं कि जब भी आपके पास क्रेडिट स्लाइस होगा तो दो चीजें क्या होंगी आपके पास, डिस्ट्रक्चर लाजमी होगी, कौन कौन सी, एक्शन और रिड्यूसर। अब आप ये परेशान हो रहे हो कि भाई ये रिड्यूसर के अंदर एक्शन कैसा आ गया, ऐसा ही है तो भाई परेशान नहीं हो, समझ में आ जाएगा अभी। जी सर, जैसे वो पुराने में हम लोग रिडक्स यूज करते हैं वहाँ पे हम इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तमाम एप्लीकेशन की स्टेट वहाँ रखते थे, तो यहाँ पे वही करेंगे अलग अलग बनाएंगे स्लाइस। नहीं यहाँ पे क्या होगा हर काम की स्टेट अलग अलग होगी। सही, मॉबिंग नहीं करते, मॉबिंग में कभी ऐसा नहीं करा कि पूरी एप्लीकेशन की स्टेट एक ही ऑब्जेक्ट में रखाओ, नहीं। अगर काउंटर की अलग उसके तो इनिशियल स्टेट के अंदर डाल देते ना सारी हम ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर काउंटर की है तो इनिशियल स्टेट हो गई, वो उसके उसके फाइल को भी दो, मान लो अलग अलग फाइल होती है ना वहाँ पे जैसे लॉगिन की हमारे पास है तो लॉगिन की वगैरह हमारे पास एक स्टेट होती थी ऊपर। अच्छा मैं लॉगिन के लिए भी करा नहीं सर, पुरानी वाले में होता ना कि हम इनिशियल स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बना देते रिड्यूसर की फाइल के अंदर और सारी स्टेट्स हम उसके अंदर रखते थे और फिर हम यूआई पे कॉल करते थे, तो यहाँ पे सारी एक ही उसमें रखेंगे। पूछना चाह रहा हूँ अलग अलग स्टेट बनाएंगे, यही पूछ रहा था। अब मिसाल के तौर पर कार्ड स्लाइस के लिए मेरे पास अगर चार स्टेट होती, कार्ड स्लाइस के लिए अगर मेरे पास चार होती तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता। सही है, मैं यहाँ पे क्या करता फिर ऑब्जेक्ट बनाता और उनके नाम देता मैं स्टेट्स के अलग अलग। सही समझ आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या अभी एक एरे चाहिए मुझे ग्लोबल, तो मैंने क्या करा इनिशियल स्टेट को एक सिंपल एरे ले लिया। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर लॉगिन और कार्ड है, लॉगिन की मेरे पास समझो भाई तीन स्टेट है तो उसके अलग स्लाइस बनेगा, उसके लिए उसके अलग स्लाइस बनेगी। सही, तो उसके अलग स्लाइस बनेगी तो उसकी इनिशियल स्टेट भी क्या होगी, अलग होगी, अलग होगी। अच्छा वहां पर आप लोगों ने एक चीज मैंने करवाई थी, लोडिंग करवाई थी मैंने आपको, करवाया था ना आपको कि ये लोडिंग चलेगा फिर यहाँ पे जाके जब डेटा आ जाए तो लोडिंग फॉल्स हो जाए, ये सारे काम हो जाए। ये सारे काम जो ना इससे बड़ा आसान है क्रिएट स्लाइस से, वहां हमें कस्टम लानी पड़ती थी सारी चीजें, ये हमें कस्टम लाने की जरूरत नहीं है एसिंक्रोनस काम के ऊपर। यहाँ पे एसिंक्रोनस बहुत आसान है, वो करवा दूंगा भाई कैसे होता है आज की क्लास में कम्प्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्लास ये बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया, समझ आ गई है। उसको डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, रेफरेंस भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपकी सवाल एक समझा नहीं, कहाँ पे कॉल करोगे नीचे यूआई के ऊपर या एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर तो स्टेट डॉट करके आपको मिलेगा, स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट रखी होगी। अभी स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट क्या है, एरे होगा एम्प्टी एरे, तो आप स्टेट डॉट पुश करवा सकते हैं तो वो किसके अंदर चला जाएगा, इनिशियल स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट होता और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होता और मुझे इस नेम को क्या करना था, अपडेट करना था या एक्सेस लेना था मुझे, तो मुझे करना पड़ता स्टेट डॉट नेम इस तरीके से, तो मेरे पास ये नेम आ जाता है। और ये तो म्यूटेबल है भाई, कैसे ये चेंज हो सकता है डायरेक्ट, इनिशियल स्टेट कैच कैसे करी स्टेट क्लासेस भाई भाई यार अभी ऐसी कॉपी लगा के बोल ये डायरेक्ट करना पड़ता है भाई साहब, ये काम करा होगा मैंने, ये रहा रिमूव हो रहा है यहां पे डायरेक्ट फिल्टर हो रहा है यहां पे, ये काम हमने लास्ट टाइम भी करवाया था ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट करा था क्या रहा था लास्ट टाइम, टू डू में करवाया था ना मैंने, तो टू डू के अंदर क्या करते पहले कॉपी निकाल देते फिर चेंज कर देते फिर वापस कॉपी पेस्ट कर देते, तीन स्टेप कर रहे थे। यहाँ पे तीन स्टेप करने की जरूरत ही नहीं हमें, यहाँ पे सिंपल क्या है एक ही बन जाएंगे बस सिंपल। अच्छा भाई क्लास हमने बना ली एक है सबसे पहले यहाँ पे क्या स्लाइड बना ली। अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं स्टोर कंफिगर करते हैं भाई, स्टोर तो वही है इसका तरीका, क्या तरीका स्टोर का इसका, क्रिएट स्टोर।
अब क्रिएट स्टोर नहीं होगा आपके पास, अब क्या होगा बस कंफिग स्टोर होगा, बाकी सारी चीजें क्या आपके पास सेम वही है। अच्छा भाई स्टोर के अंदर गए और स्टोर के अंदर बनाई एक गलत फाइल इंडेक्स डॉट जे कॉन्स स्टोर इक्वल टू कंफिगर स्टोर, कंफिगर है ना, कंफिगर है। अच्छा भाई क्लास कंफिगर स्टोर समझ में आ गया आपको ये या नहीं आया, कुछ भी नहीं करना बहुत आसान है, यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी अपडेट